जब घर में कोई सब्जी ना हो और टमाटर इतना महंगा हो। इस टमाटर की महंगाई के दौर में क्या बनाएं, समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आज हम बिना टमाटर के एक यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप एक बार खाएंगे तो सप्ताह में एक दिन तो ज़रूर बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, पापड़ से आपने कई रेसिपी खाई होंगी, क्या कभी ये रेसिपी खाई है? नहीं खाई है तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। बनाते हैं पापड़ से एक स्पेशल सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले 4 पापड़ लेंगे और उनको अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो ओवन में भी सेक सकते हैं, आप चाहें तो सीधे गैस पे भी सेक सकते हैं, आप चाहें तो फ्राई करके भी ले सकते हैं। मैं इसको सीधे गैस पे सेक रही हूँ जी। हमारे 4 से 5 पापड़ हमने सेक के ले लिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और बनाते हैं पापड़ से एक स्पेशल सी यम्मी सी रेसिपी। हम गैस पे एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी राई ऐड करेंगे और इनको अच्छे से तड़कने देंगे। जैसे ही हमारी राई और जीरा तड़क जाए, इसमें एक बारीक चौपी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज हल्की सी पिंक नहीं हो जाती, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। इतने हमारी प्याज अच्छे से भुन रही है, इतने हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी की तैयारी करने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दही लिया है। दही में हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ग्रेवी के लिए दही अच्छे से तैयार है। हम इसे टमाटर की ग्रेवी में नहीं बनाएंगे क्योंकि पापड़ की जो रेसिपी है वो दही की ग्रेवी में ज़्यादा अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से सोटी हो गई है। अब हम इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियों को क्रश करके ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से सोटी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से सोटी हो गया है। अब हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हाई रहने देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक हमारी दही में एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। अगर हम दही को नहीं चलाएंगे तो हमारी दही फट जाएगी और ग्रेवी का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे दही में अच्छे से एक उबाल आ गया है। हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। इस कंडीशन में हम इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो आपके पास पाव भाजी मसाला होगा, पाव भाजी मसाला नहीं है तो छोले मसाला होगा। आप इसमें 1 चम्मच कोई भी मसाला ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी ग्रेवी को चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल भी आ गया है और ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार भी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और जब भी आपको सब्जी खानी हो आप उसमें पापड़ ऐड कर दीजिए। और ये ध्यान रखिए, जब भी आप खाने के लिए बैठें तभी पापड़ ऐड कीजिए, नहीं तो पापड़ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें।
तो फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पापड़ की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पूड़ी, नान, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये बहुत ही आसानी से मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पापड़ की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।